शर्मा के शो में इस बार कबड्डी को लेकर बातचीत हुई। इस मजेदार विषय पर बोलते हुए कपिल शर्मा ने दर्शकों को बताया कि इसकी जड़ें देश में गहरी हैं। उन्होंने इसी खेल को लेकर अर्चना पूरन सिंह पर जोक भी किया और कहा कि टांग खींचना लोगों के लिए मजेदार काम है और खास तौर पर अर्चना के लिए। कपिल ने मजाक बनाते हुए आगे कहा, टांग तो ठीक, अर्चना लोगों की कुर्सी तक खींच ले जाती हैं। कपिल का इशारा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ था। वीकेंड पर शो पर इस बार मेहमान बनकर कंगना आई थी और उनके आते ही कपिल ने अपने अंदाज में नजर आए। कंगना के आते ही कपिल ने उनकी तारीफ की कि वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं कंगना ने कपिल के गाल खींचते हुए कहा कि वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं। इस पर कपिल बोले कि वो इससे कुछ ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। कपिल ने कंगना की आने वाली फिल्म को लेकर मजाकिया लहजे में पूछा कि अगर उनकी आने वाली फिल्म का नाम पंगा इसलिए तो नहीं कि वो किस इसमें काम कर रही हैं। इस पर कंगना ने माना कि उन्हें पंगे पसंद है और अब इनके बिना नहीं जी सकती हैं। इस दौरान जैसे ही कंगना ने अर्चना पूरन सिंह की ड्रेस की तारीफ की तो कपिल ने मजाक बनाते हुए कहा कि जब अर्चना इसे पूरे साल पहनने वाली है। इस दौरान जब कबड्डी पर चर्चा हुई तो कपिल ने फिर से अर्चना पर जोक मारा और कहा कि वो इस खेल में शानदार खिलाड़ी साबित होंगी क्योंकि वो स्ट्रॉ से एक ही बार में पूरा नारियल पानी पी जाती हैं और इसके साथ ही उसकी मलाई भी खींच लेती हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी दिनों से गायब नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में भी उनके तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, जबकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हो चुके हैं लेकिन सिद्धू की कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अभी भी चुप है। लेकिन इसी पर जिस तरह से कपिल शर्मा के शो में आते थे नवजोत सिंह सिद्धू और अचानक से वो गायब हो गए, इस पर कपिल शर्मा ने मजाकिया तौर पर जिस तरह से कहा है, एक तरह से देखा जाए तो अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू चुप बैठे हुए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट। We'll be right back.